मौसी ने छोड़ दिया पर्स अपना घर पे ही। ऐसे ब्लंडर होते रहते हैं। और अभी 10 मिनट बाद गाड़ी जाने वाली है, कर रहे हैं बर्फ में कहीं जा रहे हैं भाई साहब। ओवर ग्लास तो बहुत ही मजा आ जाता है उनको पहन के, और उनको पहन के ना जो व्यू है वो बिल्कुल ही अलग सा दिखने लगता है। सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज मी अमन एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल अगेन। तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है GoPro की, वो ये अब मैं अपनी शक्ल यहाँ देख रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो मुझे बहुत सही लग रहा है ये फीचर जो है इसका। और ऐसा बहुत कम कैमराज में होता है। तो इसको करते हैं बंद। और अब आज है 13th of September, कल खाई थी मैं बिरयानी और आज बिरयानी डाइजेस्ट करने का टाइम आ गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें पता है क्या चल रहा है, सुबह सुबह बरसात होती है भाई। सुबह उठो रात भर बिल्कुल मौसम साफ, उसके बाद फिर बरसात होनी स्टार्ट होती है और पूरा का पूरा दिन ना खराब हो जाता है यार। देखते हैं तो मौसी मैंने आके कैमरा लगाया हुआ है और ये वीडियो हम YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो भी आप बोलेंगे सोच समझ के बोलिएगा। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पर कल बहुत गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ उमस हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, और बहुत गर्मी है यहाँ। अब उत्तरकाशी से आएगा कोई बंदा उसको तो गर्मी लगेगी। उत्तरकाशी तो बहुत ठंडा है, स्वर्ग है उत्तरकाशी। स्वर्ग? स्वर्ग? तो आप स्वर्गवासी हो क्या? स्वर्गवासी? स्वर्गवासी कर दिया है कमाल, मौसी ने छोड़ दिया है पर्स अपना घर पे ही। ऐसे ब्लंडर होते रहते हैं। और अभी 10 मिनट बाद गाड़ी जाने वाली है, वैसे 7:15 पे जाएगी। आप बैठो बैठो, आप देखो भैया ये है बस। अब फिर से इन्हीं गलियों से गुजरे हैं हम लोग सिर्फ इस पर्स के लिए, इस पर्स के लिए। इसमें सब चीज रखा है, पैसों से लेकर और जरूरी चीज तो क्या ही है भाई, पैसा तो सब कुछ ही खरीद सकता है। अरे मेरा मेकअप का सामान। अच्छा अच्छा मेकअप का सामान है भाई, वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कहीं जा पाना नामुमकिन है। नाश्ता में रोटी बना तो रखी है। ये देखो मौसी को मेरी सीट मिल गई है लास्ट वाली। और मौसी ने आज हमको किराया दिया है पेट्रोल का, पेट्रोल बहुत खत्म कर दिया आपने, ये सीट है ना। तो दोस्तों मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब और अब हम यहाँ से घर की ओर रवाना होंगे। लगातार बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, और ये सिलसिला चला हुआ है। और सामने देखो भाई साहब धूप आ गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन रही है भाई एक लाइब्रेरी। अब इन्होंने पता नहीं यार ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का बोर्ड यहाँ पर क्यों लगाया। तो कुछ ऐसा ऐसा बनना है, ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है, बस शीशे लगने बाकी है। 90% मतलब कि थोड़ा बहुत इंफ्रा जो है वो पूरा सेट हो चुका है, बस शीशे लगने बाकी है। और फ्रंट से जो लेंसडाउन चौक है उसमें भी जो क्लॉगिंग हो रही है उसका भी थोड़ा समाधान देखना पड़ेगा। अब ज़्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा है भाई। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई ज्ञान देना या फिर कोई ऐसी पॉलिटिकल राय देना का नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आज जो डेट है वो है 13th of September। 13th of September को जो यहाँ पर हाल हैं ये कुछ टाइम बाद कितने चेंज हो जाएंगे। तो लगभग 2-3 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बसें खड़ी होती थी, बहुत गंदगी थी। अब थोड़ा सा साफ सुथरा हुआ है और वाटर क्लॉगिंग तो होगी यार, ये चीज़ें तो होती रहती है और इसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जब बेंगलोर जैसी सिटी में भाई, दिल्ली जैसी सिटी में बाढ़ आ रही है, आपदाएँ आ रही है, तो ये तो भाई देहरादून है, यहाँ पर तो ये चीज़ें आनी नॉर्मल है। बहुत ही धूप खिली हुई है, साथ में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है खेल परिसर परेड ग्राउंड। और यहाँ पर भी एक टाइम पे मेला वेला लगा करता था, अब जो कि अब बहुत अच्छा हो गया यार, बहुत ही सही हो गया। यहाँ पर एक अशोक स्तंभ इन्होंने लगाया हुआ है और अभी भी काम चल ही रहा है यार यहाँ पर। तो एक टाइम पे लगता था ये कभी कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा इस जगह का, और अभी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सामने परेड ग्राउंड में मैं जो परेड ग्राउंड है ये स्पोर्ट्स हॉल है इधर पे,
जो कि मैं एक बार गया था अंदर, बहुत अच्छा है यार, बहुत ही सही, और काफ़ी स्पोर्ट्स होते रहते इधर पे। और यहाँ पर अग्निवीर के सारे बच्चे जो है, अग्निवीर की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारे के सारे इधर वो रनिंग करते रहते हैं, और ये सब चीज़ें इधर पे हो रखी है। तो ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, हल्की फुल्की बारिश होती है और साथ के साथ धूप भी निकली होती है। तो बोलते हैं इस मौसम में पता नहीं क्या होता है कि भाई क्या होता है, जो भेड़िए होते हैं उनकी शादी जब होती है तो ऐसा मौसम आता है। तो रोड जब गीली होती है और धूप बिल्कुल सामने होती है तो सड़कें एकदम शीशे की तरह चमक रही होती है यार आंखों पे, और अभी वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो इस चीज़ में पोलराइज ग्लास आपके बहुत काम आएंगे, और एक पोलराइज ग्लास, एक UV 400, मतलब बेयर में UV 400 तो होना ही चाहिए भाई, UV 200 नहीं काम आएगा। UV 400 ग्लास जो है थोड़े से डार्क शेड होते हैं उसमें, और वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आंखों को, नहीं आ रहा होगा। बट जब आप ग्लास खरीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन यार पोलराइज ग्लास का एक्सपीरियंस ही अलग है भाई। वो जब एक बार बंदा पहन लेना, उसके बाद उसको कोई ग्लास अच्छे लगेंगे। जब आप या तो अगर आप राइड करते हैं बरसात में या फिर ऐसे कुछ, तब तो पोलराइज ग्लास ठीक है, काम आता है। लेकिन पोलराइज ग्लास तब भी काम आता है अगर आप ग्लेशियर में या फिर हाइकिंग कर रहे हैं या फिर आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, बर्फ़ में कहीं जा रहे हैं, भाई साहब पोलराइज ग्लास तो बहुत ही मज़ा आ जाता है उनको पहन के। और उनको पहन के ना जो व्यू है वो बिल्कुल ही अलग सा दिखने लगता है। और उसके बाद आप नॉर्मल ग्लास जब आप पहनेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा उसको पहनने में। मैं खुद पोलराइज ग्लास लगभग मैंने 2 साल यूज़ किया, उसके बाद पोलराइज ग्लास थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू यूवी ग्लासेस, बट वर्थ है भाई उनका। उनको पहन के ना जो हरियाली आप देखेंगे, आपको बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस दिखेगा। आप सोचेंगे यार कि आंखों को हो क्या गया है। तो 40 मिनट बाद गाड़ी हो जाएगी यहाँ से रवाना, और मौसी लगभग 5 घंटे बाद उत्तरकाशी पहुँच जाएगी। पोलराइज ग्लास के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और मुझे पोलराइज ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। तब जब मैं हाइकिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, या डिजिटल दुनिया से दूर हूँ, मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना। तो होता क्या है ना, जब भी पोलराइज ग्लास आप यूज़ करेंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, तो फ़ोन को आप जब घुमाएंगे तो एक टाइम पे फ़ोन ज़्यादा ब्राइट होगा, और उसी टाइम उसके बिल्कुल अपोजिट जब आप जाएंगे तो फ़ोन बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मॉनिटर यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ करेंगे, तो फिर वो होता है क्या ना, वो इंटरफेयर करता है डिजिटल सिग्नल के साथ। पता नहीं इसमें कौन सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। और मैंने बाइक चलाते वक्त पोलराइज ग्लास पहनना इसलिए छोड़ा क्योंकि विंडशील्ड जो होती है उसमें भी केमिकल कोटिंग होती है, और पोलराइज ग्लास में भी केमिकल कोटिंग होती है, जिसकी वजह से जब आप विंडशील्ड गाड़ी जब सामने से आ रही होती है तो हम कभी कभी देखते हैं गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी है, फिर कभी आगे चल रही होती है गाड़ी तो हम देखते हैं कि यार गाड़ी के बीच आगे कौन सी गाड़ी है, हम ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पोलराइज ग्लास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल डार्क हो जाता है, बूंद बूंद दिखने लगती है स्क्रीन में। तो कभी भी आप पोलराइज ग्लास अगर पहने, या फिर कभी भी आप पोलराइज ग्लास पहनने का मौका मिले, या फिर कभी भी आप जाएँ किसी ऑप्टिकल शोरूम में, तो फिर आप पोलराइज ग्लास पहनना एक बार, ट्राई करना उसको। और अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं या फिर कोई गाँव वाँव में जा रहे हैं तो आप खरीदो उसको, बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर आप वैसे राइड करने के लिए तो बिल्कुल मत लेना, और अगर आप ले लिया पोलराइज ग्लास तो एक बार आप ड्राइव करते हुए उसको पहनना, फिर एक्सपीरियंस करना। विंडशील्ड में आपको डॉट 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 दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। वाइज़र, मेरे को तो हेलमेट वाइज़र में भी बड़ी दिक्कत होती थी, उसमें पता नहीं यार क्या अजीब सी एक लेयर जैसी दिखनी स्टार्ट हो जाती थी वाइज़र में, तो इस वजह से मैं पोलराइज ग्लास पहनना छोड़ दिया। तो UV 400 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।